अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द एयर एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इस एयर एग्जामिनेशन की वीडियो में हम लोग जो है सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमें ऑस्की में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हियर वी गो। अच्छा, सबसे पहले हम लोग आते हैं एयर एग्जामिनेशन पे। ठीक है, अब देखें, हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने इंस्पेक्शन करनी होती है। ठीक है, इंस्पेक्शन में हम लोगों ने बाहर से देख लेना होता है कि हमारे पास कोई स्कारिंग तो नहीं है, कोई हमारे पास कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है, शेप प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, कान के पीछे भी हम लोगों ने देख लेना होता है बगैर हाथ लगाए। ठीक है, आगे पीछे सारा कुछ देख लेना है। ठीक है, और जो बुल्स आई होगी वो ओपन होगी। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जब आप लोगों ने इंस्पेक्शन कर लिया ना, तो उसके बाद हम लोग पल्पेशन पे आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं पल्पेशन पे। ठीक है, अब पल्पेशन में हम लोगों ने क्या करना है ना कि सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेगस को पल्पेट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हेलिक्स पे, एंटी हेलिक्स, लोब्यूल, मेस्ट्रॉइड और मेस्ट्रॉइड टिप। ठीक है, अब ये पल्पेशन हो गई है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने एयर को अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली जो है वो पुल करना है। ठीक है, जब ये पुल हो जाए तो इसके बाद हम लोगों के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्पेकुलम। ठीक है, वो पिक्चर मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो आफ्टर दैट हम लोगों ने स्पेकुलम इधर डालना है। ठीक है, और हम लोगों ने ऐसे जनरली देख लेना है। ठीक है, लैंप लगा होगा। ठीक है, और लैंप से हम लोग एग्जामिन कर लेंगे। अच्छा देखें, जैसे मैंने अभी लाइट लगाई है। ठीक है, यहाँ पे स्पेकुलम होगा, स्पेकुलम से हमें एयर नज़र आ जाएगा कि एयर में क्या क्या चीज़ें हैं, नॉर्मल है क्या नॉर्मल है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने लाइट को ऑफ कर देना है। तो हमारी बुल्स आई लैंप जो लगा होता है ना, उसको हम लोगों ने ऑफ कर देना है। उसके बाद हम लोगों ने ऑटोस्कोप लेना है। ऑटोस्कोप की भी पिक्चर मैं आप इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, हम लोगों ने अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली इसको पुश करना है। और इसके बाद ऑटोस्कोप हम लोगों ने कान में डाल के सारा कुछ देख लेना है कि टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल है कि नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने करना है ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट। जो ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट है ना, उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिंग फोर्क। उसकी पिक्चर मैं इंसर्ट कर दूंगा और आप लोगों ने देखा भी होगा अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उसके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे। ठीक है, अब पिक्चर मैं इंसर्ट कर दूंगा। अब ट्यूनिंग फोर्क में क्या होता है ना, ऐसे वी शेप इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग करते हैं रेनिस टेस्ट। रेनिस टेस्ट में बेसिकली हम लोगों ने क्या करना होता है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारा ट्यूनिंग फोर्क है। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग मेस्ट्रॉइड जो है, मेस्ट्रॉइड प्रोसेस पे उसकी जो हमारे पास स्टेम होती है वो रखते हैं। ठीक है, अब मेस्ट्रॉइड प्रोसेस के बाद जब हम पेशेंट को कहते हैं आवाज़ आना बंद हो जाए तो हमें बताएं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ऐसे करके यहाँ पे पकड़ लेना होता है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे पकड़ लेना होता है। ठीक है, फिर ये हो जाए तो इसके बाद हम लोग करते हैं वेबल्स टेस्ट। वेबल्स टेस्ट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग जो ट्यूनिंग फोर्क होता है उसका जो स्टेम होता है वो यहाँ पे ग्लैबिला पे रख लेते हैं। ठीक है, और ग्लैबिला पे रखने के बाद पेशेंट को कहते हैं कि जिस कान में आवाज़ ज़्यादा आएगी तो वो ये बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट के दोनों कान नॉर्मल हैं तो उसको दोनों कान में आवाज़ जो है वो नॉर्मल नजर आएगी, सुनाई देगी। लेकिन अगर कोई कान एबनॉर्मल है तो उसमें फिर उसमें आवाज़ उसको ज़्यादा सुनाई देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेबल्स टेस्ट की बात करें तो वेबल्स टेस्ट में फॉर एग्जाम्पल अगर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ठीक है, तो हमारे पास सेम साइड में आवाज़ जो है वो ज़्यादा सुनाई देगी। ठीक है, लेकिन अगर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है तो ऑपोजिट साइड में आवाज़ जो है वो ज़्यादा नजर आएगी। ठीक है, अच्छा ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं फेशियल नर्व के टेस्ट पे। ठीक है, अब फेशियल नर्व के टेस्ट, अच्छा अब इसमें लास्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन, क्योंकि जो मिडिल ईयर होता है उसमें हमारे पास फेशियल नर्व जो है वो पास होती है। ठीक है, तो अगर मिडिल ईयर में कोई इंजरी हो जाए तो उसकी कंसीक्वेंसेज में हमारे पास फेशियल नर्व के पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन करनी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने पेशेंट को कहना है कि अपनी आईब्रोज जो है वो ऊपर करें, तरह से बराबर सही है, हाँ उस गुस्से सर हो रहा चल तक उससे सर होकर, अच्छा ये गुस्से सर क्योंकि ये बच्चा है ना। ठीक है, तो इसके प्रॉपर जो है वो रिफ्लेक्स देते हैं ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पेशेंट को कहने के गुस्से से देखे। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हमने पेशेंट को कहने के मुंह में हवा भरे, हवा भरे, हाँ ये देखें ये नॉर्मल है। ठीक है, मसल्स काम कर रहे हैं। फिर उसको हमने कहने के दांत दिखाए, ठीक है दांत भी दिखा रहे हैं, अब जो है वो हंसे। ठीक है, अब हंस भी सही रह से रहा है। ठीक है, तो ये पेशेंट नर्वस की नॉर्मल है। ठीक है, ये सारे एक एग्जामिनेशन के स्टेप्स हो गए। ठीक है, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर।